सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान चीन में रिलीज की गई और फिल्म पहले ही दिन चीन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान को चीन में 8,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और फिल्म दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही है। फिल्म पहले ही दिन 2.8 मिलियन का बिजनेस करने में सफल रही। फिल्म पहले ही दिन आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का 2.20 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रही। पहले चीन में जहां आमिर खान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं अब सलमान खान भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फिल्म के प्रीव्यू शो को भी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। आपको बता दें कि उम्मीद है सलम न वहां 1,000 करोड़ क्लब में एंट्री कर लें। फिलहाल आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार भी चीन में 750 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी तहलका मचा रही है। चीन में अब तक 9 बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें बाहुबली छोड़कर डॉट सभी फिल्में शाहरुख सलमान आमिर की ही हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में 1309 करोड़ की कमाई की थी। आमिर खान की ही फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने अब तक 759.92 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि अभी भी कमाई जारी है। पीके तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी आमिर खान की ही है। पीके ने चीन में 129 करोड़ का कलेक्शन किया था। धूम 3 यशराज बैनर की सुपरहिट फिल्म धूम 3 ने चीन में 19.93 करोड़ का कलेक्शन किया था। 3 इडियट्स आमिर खान स्टारर राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स ने चीन में 14.15 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली 2 वहीं ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली ने 7.54 करोड़ का कलेक्शन ही किया था। हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने चीन में 2.38 करोड़ का कलेक्शन किया था। फैन शाहरुख खान की फिल्म फैन ने चीन में सिर्फ 1.50 करोड़ कमाया था।